फाड़ दिया। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फाफड़ा ट्राई कर रहा है। साले भर लिए हुए पीछे पांडे जी और मैंने। ओ वाओ, दिखाओ पहले। आज दशहरा अच्छा हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस ये ना गोला भी जान के पंगे ले रहा है उसके साथ। सुबह एक पंगे लेता, शाम को एक पंगे लेता। बोले बुक ले लो अपनी, ले लो ले लो ले लो ले लो, खा जाएगा बुरा। ओ फाड़ दिया। रूपा दीदी एक पंगे पंगे था। राधे राधे बोल, राधे गले हर हर शंभो। और पापा सुस्ताए हैं इसीलिए छुप रहे हैं रजाई में। सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको, सोने दो। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। सो हैप्पी दशहरा आप सबको। भगवान करे कि आपकी भी जितनी भी आज मन में बुराइयां चल रही हैं सबका नाश हो के आज अच्छाई की जीत हो। और हेलो अच्छाई, अच्छाई कब उठोगे? उठेंगे उठेंगे। अरे उठना, तू बुराई है और मैं अच्छाई हूँ। मुझे आज तुझे कूट कूट के तेरे पे जीत करनी है। अरे चुप कर जा। ये कौन सी भाषा है? किससे बात कर रहा है? तालियां बजाए जो भक्त तालियां। यार ये बच्चा ट्रैवल करने वाला है। इस बच्चे को आप ट्रैवल पे आप अपने साथ लेके जा सकते हो। बड़ा ही क्यूट बच्चा, तंग बिल्कुल नहीं करता। बट हाँ शर्त ये है कि बिजनेस क्लास होनी चाहिए और वो पूरा इस पे बैठेगा। आप अपना थोड़ा सा बम अटका के बस चोंच पे बैठोगे, बाकी ये सब करेगा। ये क्या हुआ? चिच तो ये कहाँ चिची? ये धागा है। अच्छा कब से उसका नाम लगा रहा है बूरे का? किसने किया गोले? किसने किया? बुरे ने किया चीची। पी दशहरा मुन्ना। अरे बाप रे भैया, मुन्ना तू तो अच्छा पति लगेगा, अच्छा पति बनेगा मतलब। राजा जी, लड़कियां तैयार नहीं होती बट मुन्ना सुबह सुबह तैयार हो गया। हैप्पी दशहरा। और मेरे चटोरे ससुर जी सुबह सुबह जाके बोरी वाली कांदी वाली से ये लेकर आए हैं जलेबी, फाफड़ा, क्या खमन, और ये है मेरा खमन ढोकला। तो गाइस आप सबको हैप्पी दशहरा। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फाफड़ा ट्राई कर रहा है। अच्छा है? वाह बोले अच्छा है। अच्छा है, अच्छा ये भी लो अभी। खमन का लो। आ करो आ। हे जीरे, अब बना है पूरा गुजराती बच्चा। खमन ढोकला खावे छे, खमन ढोकला खावे छे, फाफड़ा भी खावे छे, फाफड़ा भी खावे छे। ये हैप्पी दशहरा। दोस्तों मेरा तो दशहरा माइंड ब्लोइंग बन गया, मुझे पता नहीं कहाँ। आप अभी इससे जूते भी आए हैं और बुनाई से बहुत सारे कपड़े आए हैं। और स्पेशली इस बार मुझे बुनाई के दुपट्टे इतने अच्छे लगे। कितना अच्छा दुपट्टा, ऐसी वाले ना, ऐसा गोटा पत्ती ना पुराने जमाने में चलती थी। पुराने जमाने जब पंजाब में हमारी शादियां होती थी ना तब ऐसी वाले चलते थे। बहुत अच्छे हैं। और ये किसने भेजा है मुन्ना? अजय भाई ने। अजय, अजय K9 ने हमारे लिए बहुत अच्छा ओ गॉड दिवाली का भेजा है। वाह 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 वाह, प्यार में डूबा हुआ मुन्ना। किसको मैसेज कर रहा है? नहीं किसी को नहीं। दिवाली पे कोई होगी? दिवाली तो पता नहीं, हो सकता है। उम्मीद पे तो दुनिया का है ना बेटा। ये पड़ की क्या आवाज निकाली तुमने? भैया ये मेरे घर में पहली ऐसी तगड़ी लड़की आई है इस बार कि लड़कों को गर्दन से पकड़ के दीवार से लगा दे। अरे मेरी पाली बच्ची, पाली बच्ची, मामा की शोनी बच्ची। अच्छा क्या हो गया? खजूर खा रही हूँ। मैं घर से निकल गई हूँ कि मुझे जाना है वो नीचे का मैट देखने। हर्ष घर पे है, गोला सो रहा है और
सब सो रहे हैं, मैं निकल आई करके आती हूँ फटाफट काम। तो चलिए जी, मैं पांडे जी के साथ आ गई हूँ मिनी सू में छोटी छोटी चीजें लेने। श्रुति श्रुति मिनी सू। तो चलिए जी, मिनी सू से बड़ा प्यारा प्यारा सामान मिला और बड़े प्यारे प्यारे भैया ने हमें अटेंड किया है। कैसे हो भैया? थैंक यू। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। यहाँ पे खुश हो? या क्या, जापान जाना वहाँ के मिनी सू में? हाँ पांडे जी, कुछ चाहिए? हाँ ठीक है भाई, भड़क ही गए। तो चलो जी, पैसे ऐसे खर्च ले हैं, थले भर लिए हुए पीछे पांडे जी और मैंने। कितने दिनों बाद आए ना पांडे जी हम यहाँ पर, लेकिन लोखंड वाला कमाल की जगह है। पैसे हो तभी आप घूम सकते हो, वरना आपका मन उदास हो जाता है। Oh, no. So, दोस्तों, मैंने संतोष से कहा कि मुझे अपने बेटे के लिए एक टॉय लेना है क्योंकि आज दशहरा है, और जब आप ब्लॉग देखेंगे तब तो एक दो दिन हो जाएंगे, बट आज दशहरा है तो गोले के लिए बनता है, मेरा पहला बच्चा है। पांडे जी बनता है ना खिलौना? हाँ बनता है। बनता है, अच्छा लीजिए भाई। हाँ अच्छा लीजिए कोई गोले के लिए। हाँ लेते हैं, दिखेगा दिखेगा। कमाल करते हो पांडे जी। सो हमें ज्यादा तो खिलौने मिले नहीं गोले के, सारे खिलौने जो मैं देखती हूँ वो उसके पास था, वैसा था, तो मैंने लिए नहीं। मैंने फ्रूट्स लिए उसके लिए नकली, जो हम उसको बताएंगे ये वाला फ्रूट है, थोड़ा सीखे तो सही। हर्ष के लिए एक बॉटल ली है, और क्या लिया पांडे जी? और चश्मा लिया गोले के लिए, चश्मा लिया चश्मा। तो ये मैं लाई हूँ जी आज की शॉपिंग, ये मैं लाई हूँ अपने क्लचर, और गद्दे का भी काम हो गया। कितने काम करके आई हूँ मैं आज, दशहरा अच्छा हो गया। चलिए भी ये पकड़ो दीदी, एप्पल का है, एप्पल गोले, एप्पल। अरे बहुत कड़क है ये। तो भाई मेरा चश्मा फ्लॉप हो गया, गोले ने चश्मा रिजेक्ट कर दिया। फ्रूट्स उसको पसंद आए हैं, और दीदी ने जानबूझ के हर्ष की बोतल उसके सामने खोल ली। जिम के लिए लिए भैया, वैसे तो चार पांच छोड़ा है, अभी ये भी छोड़ आएगा। तो चलिए जी, आज फिर से हर्ष की डिमांड आई है कि मखाने की खानी है सब्जी। मैं हमेशा से वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, मेरे को नहीं समझ आता यार। मैंने इसमें देसी घी डाला है, उसके बाद जीरा डाला है, हींग डाली है, लहसुन डाला है पीस कर, प्याज डाला है, टमाटर भी पीस के डाले हैं, और फिर मैंने मटर डाल के इसको पकाया है अच्छे से। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी। मैंने इसमें 2 चम्मच सूखा बेसन भून के भी डाला है। खड़े होके पूरा भूनना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपने बेसन डाला है, अगर आप उसको हिलाते नहीं रहोगे ना इस मसाले को, तो गड्ढे गड्ढे पड़ जाएंगे। और ये मखाने शीला ने पहले ही इसको ऐसे ही कढ़ाई में भून लिया था, और नवरात्रे चाहे ख़त्म हो गए लेकिन आज भी हमारे घर में व्रत वाली रोटी बन रही है कुट्टू के आटे की। ये जो हर्ष ने कहा मैं खाऊँगा, और ये अदरक और धनिया काट के रखा है ताकि फटाफट, क्योंकि मखाने तुरंत ही ठुस हो जाते हैं, तो ठुस होने से पहले इसको ठुस कर दो, हालत ही खराब हो जाती है बता। मखाने डाल दिए मसाले में, ये देखिए, देखा कितने सारे मखाने थे, अभी ये धीरे धीरे भारती से दीक्षा होते जाएंगे। बन गए, अब बस डाल के देने हैं, अभी ऐसे हो जाएंगे। One hour later. तो चलिए जी, मखाने की सब्जी मैंने बना दी, और हर्ष को अच्छी लगी कि नहीं लगी? नहीं लगी। Oh, no. अच्छी बोला, नहीं लगी यार? नहीं, इतना मजा नहीं, मैंने तो सोचा था मखाने की सब्जी कुछ कमाल होगी। हमने भी सोचा था, पूरा मूड खराब कर दिया। मैंने अपने दिल से बनाई और पूरा अपना खून पसीना उसमें डाला, बट इसको नहीं अच्छी लगी। तो पसीना डाला तभी इतना गंदा टेस्ट आया, मसाले डालते। ये भाई इसने क्या, सुबह सुबह ये 8:30 बजे अमेजोन से आया है, ये है क्या चीज मुझे बता। ये मैंने गोले के लिए मंगाया है, जिसमें गोला इसमें अभी लिखेगा। ये इसने अपनी खुशी के लिए मंगाया है गाइस,
जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो आप ऑर्डर कर लो, ये बहुत अच्छा है वैसे उनके लिए। बट हर्ष ने गलत टाइम पे ऑर्डर कर लिया, लेकिन आज गलत टाइम मतलब कौन सा टाइम, आप तो 2 बजे ऑर्डर कर लिया। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे बाजार वाले सारे काम हो गए, दशहरा भी हुआ और बहुत सुबह सुबह फाफड़ा और जलेबी खाने को मिली। और बच्चा सो गया है पीछे, रूपा दीदी ने बोल दिया है तो चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। आप सबको मेरी और हर्ष की तरफ से और हमारे LOL की तरफ से हैप्पी दशहरा। मत करना, हैप्पी दशहरा बोल, हैप्पी दशहरा गाइस, मत कर हैप्पी दशहरा गाइस। चलिए व्लॉग को लगाया इसने, तू बचेगा नहीं हर्ष। व्लॉग को एंड करते हैं, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो फटाफट, मेरे लगा मुँह थे, अगर ये लगा हुआ ना दोस्तों तो उसके बाद देखना आप क्या हाल होता है इसका। बाय बाय। लगता नहीं पसंद आया, आ गया पसंद आ गया।